हेलो गाइस एंड वेलकम टू अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। गाइस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के रेट को रेज़ करना इजी है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे आपकी बॉडी ये बेनिफिशियल हार्मोन प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी की एंडोस्ट्रिन ग्लैंड्स और एंजाइमेटिक रिएक्शन से कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड से लेते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स में टर्न हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लिए ये सब ब्रेन से स्टार्ट होता है जो टेस्टिकल्स को मैसेज सेंड करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्री टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करने के लिए, और इस सिग्नल में विटामिन ए, बी कम्प्लेक्स विटामिन, K2, डी, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत इम्पैक्ट होता है। कुछ फूड्स बेटर होते हैं हार्मोनल हेल्थ के लिए, चलिए जानते हैं उन दो सरप्राइजिंग फूड्स के बारे में जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल हैं। नंबर 1, पोमेग्रेनेट या अनार। अनार टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इसलिए इंक्रीज़ करता है क्योंकि उसमें हाई फ्रक्टोज कंटेंट होता है और कुछ और कंपाउंड्स होते हैं। इसमें इलैगीटेनिन डिराइव्ड कंपाउंड होता है जो एस्ट्रोजन लेवल्स कम करता है और टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होने देता और एरोमेटेज एंजाइम ब्लॉक करता है। अनार को कंज्यूम करने से 24% तक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज होते हैं। सो अगर आप फ्रूट खाना चाहते हैं तो फ्रक्टोज रिच फूड लें जिसमें एंटी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज हैं और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रेज करते हैं। नंबर 2, एप्पल साइडर विनेगर। डाइट में एप्पल साइडर विनेगर या कोई और टाइप का विनेगर ऐड करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज होते हैं क्योंकि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को स्ट्रॉन्गली इंप्रूव करता है आफ्टर ए मील। हायर इंसुलिन सेंसिटिविटी से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज होते हैं बट डायबिटीज़ में ये लेवल्स कम हो सकते हैं। सो सिंपली मील के बाद विनेगर कंज्यूम करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है जिससे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन और एंड्रोजन यूटिलाइजेशन बढ़ती है इन द बॉडी। सो गाइज ये थे 2 फूड्स जिनसे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सुपरचार्ज किया जा सकता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।